नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी कार्यक्रम घोषित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों से संयम बरतने की अपील करते हुए एक नसीहत भी दी। राजीव कुमार ने मशहूर शायर मरहूम बशीर बद्र का एक शेर भी सुनाया। उन्होंने कहा कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन एक गुंजाइश रहे कि जब कभी हमें दोस्ती हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। दरअसल उनका कहना था कि चुनाव के दौरान नेताओं को अपनी भाषा शैली पर ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को भावनाओं को ठेस पहुंचे। उनका कहना था कि आज के दौर में नेता आज किसी और पार्टी में हैं तो कल किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। कब एक दूसरे के साथ काम करना पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए चुनाव के दौरान अपनी भाषा पर अंकुश रखें, संयम बरतें। हमारे देश की राजनीति में विपक्षी दल के नेताओं को हमेशा बुराई करते हुए ही देखा गया है। विपक्षी दल के नेताओं को तारीफ करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। मौसम चुनाव का हो तो कोई विरोधी दल के नेताओं को तारीफ करने का जोखिम तक नहीं उठाता, लेकिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार ऐसा किया था। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर राजीव कुमार ना होते तो आज मैं जीवित ना होता। यह कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। यह वह दौर था जब बीजेपी राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस घटना का जिक्र किया था वह 1988 की थी। उस समय अटल जी की किडनी में एक गंभीर बीमारी हो गई थी। बीमारी ऐसी थी कि जिसका इलाज देश में मुमकिन नहीं था। उस बीमारी की वजह से अटल जी की जान भी जा सकती थी। डॉक्टरों ने उन्हें अमेरिका जाकर इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि अमेरिका जाकर इलाज करा सके। किसी तरह उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अटल जी की इस समस्या के बारे में पता चला। अटल जी का इलाज हो सके इसके लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला। अटल जी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। राजीव गांधी ने अटल जी को बुलाया और कहा कि सरकार ने आपको संयुक्त राष्ट्र जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में आपको शामिल किया गया है, आपको अमेरिका जाना है। राजीव गांधी ने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है आप इस मौके का लाभ अपनी सेहत के लिए भी उठाएंगे। साथ ही राजीव गांधी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जब तक अटल जी की किडनी का इलाज ना हो जाए अमेरिका में उनके रहने और रुकने का इंतजाम किया जाए। इस तरह अटल जी की किडनी का इलाज हो पाया और उन्हें नई जिंदगी मिल पाई। काबिले तारीफ इस बात की है कि 1991 में चुनावी दौर में अटल जी ने इस घटना के बारे में बताकर राजीव गांधी की प्रशंसा करने की हिम्मत दिखाई। हालांकि उससे भी अधिक तारीफ का हकदार राजीव गांधी थे, जिन्होंने अपने जीते जी इस घटना का जिक्र तक कभी नहीं किया। उन्होंने कभी इस बात का असल कारण नहीं बताया कि संयुक्त राष्ट्र जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में अटल बिहारी को क्यों शामिल किया गया था। हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से किस्सा अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।